नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ हैं योगेंद्र जी, इंजीनियर हैं, और जहां हम खड़े हैं ये देश का या विश्व का ऐसा सोलर थर्मल पावर प्लांट का मॉडल है जो और कहीं नहीं देखने को मिलेगा। और खास बात यह है कि ये भारत में इंडिजीनियसली पिछले बहुत सालों से डेवलप हुआ है और अपने यहां के इंजीनियर ने मिलकर मेहनत से ये मॉडल खड़ा किया है। सोलर थर्मल पावर प्लांट की खास बात ये है कि इससे बड़े स्तर पर खाना बन सकता है और इससे बड़े स्तर पर बिजली बन सकती है। कैसे बन सकती है और ये कैसे काम करता है, पूरी जानकारी लेंगे योगेंद्र जी से। पूरा वीडियो जरूर देखिए, ये अनूठा वीडियो है, शायद आपने ये तकनीक पहले ना देखी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। आपने बताया कि ये जो सोलर थर्मल पावर प्लांट है, इसकी तकनीक ऐसी है कि इसके मल्टीपल यूज हैं और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी है, जो फोटोवोल्टिक पीवी पैनल वाली है उससे भी कहीं ज्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली है और सस्टेनेबल है। तो क्या तकनीक है, कैसे डेवलप हुई, पूरी बातचीत आपसे करेंगे। सबसे पहले तो समझाइए दर्शकों को कि ये तकनीक है क्या। पता है कि सोलर में दो टेक्नोलॉजी है, एक सोलर फोटोवोल्टिक है और दूसरी है सोलर थर्मल। सोलर फोटोवोल्टिक तो आप सबने देखी है, जो अपने घरों पे लगती है, जो फोटोवोल्टिक पैनल्स होते हैं जिसमें बैटरी लगती है या तो आप ग्रिड को देते हैं। ये दूसरी वाली टेक्निक है, इसको नाम है सोलर थर्मल। और सोलर थर्मल में भी ये टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है पैराबोलिक रिफ्लेक्टर विद फिक्स्ड फोकस टेक्नोलॉजी। तो जैसे कि नाम है, और इस प्रोजेक्ट का भी नाम है इंडिया वन सोलर थर्मल पावर प्लांट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंडिया वन नाम इसीलिए दिया है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी दुनिया में पहली बार डेवलप किया है, डेमोंस्ट्रेट किया है, इसीलिए इसको नंबर वन इंडिया वन नाम दिया है। अब इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है सोलर रिफ्लेक्टर, ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है। इसको पैराबोलिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका शेप पैराबोला है, और ये रिफ्लेक्टर जो है ये सूरज के साथ ऑटोमेटिकली घूमता रहता है। तो ये पूरब से पश्चिम, उत्तर दक्षिण, सारी मूवमेंट्स इसके अंदर है। ये ऑटोमेटिक ट्रैकिंग है, तो ये सूरज को फॉलो करता रहता है। और इसके ऊपर जो लगा है ये मिरर्स है, ये जो आप रिफ्लेक्शन देख रहे हैं ये मिरर्स है। तो ये मिरर्स जो है इसका एरिया लगभग 600 स्क्वायर फीट है, और ये जब सूरज की तरफ मुख करता है तो सनलाइट इसके ऊपर पड़ती है, और क्योंकि ये मिरर है, एक पैराबोला है, इसका रिफ्लेक्शन इसके फोकल पॉइंट पे आता है। तो आप देख सकते हैं 600 स्क्वायर फीट एरिया को 1 फीट डायमीटर में कॉन्सेंट्रेट किया है। इस कॉन्सेंट्रेशन रेशियो की वजह से आप देख सकते हैं वहां जो टेम्परेचर है वो 1200 डिग्री से लेकर 1400 डिग्री तक जनरेट होता है। तो ये ऐसा टेम्परेचर है जो लकड़ी, कोयला, डीजल जलाने के बाद जो टेम्परेचर डेवलप होता है, वो यहाँ बिना लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल कुछ भी नहीं जलाना पड़ता है, सिर्फ सनलाइट को कॉन्सेंट्रेट करके हम वो टेम्परेचर लेके आते हैं। अब ये सारा टेम्परेचर इस रिसीवर के अंदर जा रहा है। अब ये रिसीवर की खासियत ये है कि ये सारा टेम्परेचर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये समाने वाली जो मेटल है उसका नाम है कास्ट आयरन मेटल। कास्ट आयरन मेटल के अंदर ये सारा टेम्परेचर एनर्जी स्टोर होता है, इसलिए भी इसको हम थर्मल स्टोरेज बोलते हैं, या आप इसको बोल सकते हैं हीट बैटरी। अब इसमें दूसरी विशेष बात ये है कि इस कास्ट आयरन के ऊपर एक हेलिकल कॉइल लगी हुई है जो कि बॉयलर्स में होती है। ये कॉइल को हम कनेक्ट करते हैं पानी से, तो पानी जब इस कॉइल के अंदर घूमता है तो इस टेम्परेचर की वजह से इस पानी का स्टीम बन जाता है। तो ये रिसीवर ना कि सिर्फ रिसीवर है बल्कि इसमें थर्मल स्टोरेज भी होता है, और इसमें एट द सेम टाइम स्टीम भी जनरेट होता है, तो ये बॉयलर का भी काम करता है। तो आप देख रहे हैं एक रिफ्लेक्टर के साथ एक रिसीवर लगा हुआ है, ऐसे 770 रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं, उसके साथ 770 रिसीवर्स लगे हुए हैं। तो एक रिसीवर जैसे कि बॉयलर है, तो इसका मतलब है कि 770 बॉयलर्स एक साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं। दूसरी विशेष बात इसमें यह है कि ये बॉयलर्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो एक का स्टीम दूसरे में आता है, दूसरे का तीसरे में, ऐसे करके सबका जो स्टीम जनरेट हो रहा है वो ये पाइप्स के अंदर इकट्ठा हो रहा है। ये सामने जो हॉरिजॉन्टल पाइप देख रहे हैं, इस पाइप में ये सारा स्टीम इकट्ठा हो रहा है, और ये स्टीम जो है वो टर्बाइन में जाता है, स्टीम टर्बाइन। तो स्टीम टर्बाइन से, स्टीम की ताकत से टर्बाइन घूमता है, उसके साथ अल्टरनेटर कपल्ड होता है, वो अल्टरनेटर से बिजली बनती है। तो यहाँ 11,000 वोल्ट की बिजली बनती है, हर घंटे 1 मेगावाट माना 1,000 यूनिट बनता है। विशेष बात ये है कि ये जो रिसीवर है इसमें जब हीट स्टोर होता है तो ये जैसे बैटरी का काम करता है। दिन में तो चलो सनलाइट है तो आपको वहाँ पे एनर्जी मिल रही है, हीट मिल रही है, मगर ये हीट अंदर स्टोर हो रही है। जैसे आपके पास मोबाइल है, मोबाइल को आप 2 घंटा चार्ज करते हैं और 20-22 घंटा उसको यूज़ करते हैं क्योंकि उसके अंदर बैटरी है, जो बैटरी क्या करती है, एनर्जी को स्टोर करती है और फिर वापस आपको काम देती है। ऐसे ही इसमें सारे दिन की जो हीट आ रही है वो उसमें स्टोर होती है और रात भर ये आपको काम देती है। तो ये दुनिया का पहला प्लांट है जो 24 घंटा चलता है। सोलर में आप देखेंगे सोलर टेक्नोलॉजी ऐसी है जो सूरज के रहते रहते ही प्रोडक्शन होता है, मगर यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे स्टोरेज हो रहा है तो हमने इसको दिन रात चलाने के लिए ऐसे टेक्नोलॉजी बनाया है। इसमें स्टोरेज भी है इसलिए ये दिन रात चलता भी है।
तो आपने बताया कि जो इससे स्टीम जनरेट हो रही है उसे टरबाइन घुमाकर बिजली बनाते हैं, यही स्टीम थर्मल प्लांट की बात करें तो वहाँ कोयले से जनरेट करती है, आप इसको सूरज की रोशनी से जनरेट करें, ये तो हो गया स्टीम की बात। इस स्टीम का और भी कहीं प्रयोग होता है? जी, सोच सकते हैं कि हीट और हॉट वाटर और स्टीम का बहुत सारे एप्लीकेशंस है। हमारे आम जिंदगी में ही हम देखेंगे तो गर्म पानी हमको पीने को चाहिए, कपड़ा धोने को चाहिए, नहाने को चाहिए, सर्दी में बर्तन धुलाई के लिए चाहिए, स्टीम जो है वो लॉन्ड्री में चाहिए, हॉस्पिटल स्टरलाइजेशन में चाहिए, हमारे यहाँ दूध गर्म होता है स्टीम से होता है, चाय कॉफ़ी सब स्टीम से बनती है, इसके अलावा कुकिंग में दाल चावल सब्जी ये सारा स्टीम से पकाते हैं, तो वो जो स्टीम है उसका हम सोलर थर्मल से यूज लेते हैं। तो इतने सारे एप्लीकेशंस आप इस टेक्नोलॉजी से चला सकते हैं। तो जैसे फैक्ट्री में आप देख रहे हैं जहाँ पे प्रोसेस इंडस्ट्री होती है, हीट कहाँ जहाँ यूज़ होता है, जहाँ गर्म पानी चाहिए स्टीम चाहिए या प्योर हीट चाहिए, जहाँ पे मेटल्स को गर्म करते हैं, फोर्जिंग करते हैं, कास्टिंग करते हैं, ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में हीट की और हॉट वाटर की और स्टीम की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आपने बताया कि पिछले बहुत से सालों से इस पे रिसर्च हो रही है, कब रिसर्च शुरू हुई और क्या क्या डेवलपमेंट किया? जैसे इस टेक्नोलॉजी का मैं बताऊँ तो ये शुरुआत हुई एक जर्मन साइंटिस्ट के वहाँ से, उसका नाम है वोल्फगैंग शेफलर, वो जर्मनी का साइंटिस्ट है, उसने इस टेक्नोलॉजी को छोटे रूप में पहले बनाया 2 स्क्वायर मीटर, और उनका ऐसे विजन था कि इसको मैं आदिवासियों को दूँ ताकि वो आंगन में रख के अपना चूल्हा जैसे उसको यूज़ कर सके, सारा दिन उनका लकड़ी लाने में जाता है, चूल्हा जलाने में जाता है, तो सारा दिन ये चूल्हे का काम करे। तो उस विजन से वो संस्था के साथ जुड़ गया, और फिर 1990 में जब संस्था के साथ उसने डेवलपमेंट काम शुरू कर दिया, संस्था के भी जो डेडिकेटेड इंजीनियर्स हैं उनके साथ लग गए, और हमारे यहाँ 1990 में ही सोलर डिपार्टमेंट खुल गया। ये एक आध्यात्मिक संस्था है ब्रह्मा कुमारीज, उन्होंने इसमें इनिशिएटिव लिया और एक सोलर डिपार्टमेंट खोल के इस टेक्नोलॉजी को वहाँ से तब से डेवलप कर रहे हैं। फिर आप देखेंगे तब से हमारे यहाँ ऐसे प्रोजेक्ट्स बने हैं जो इससे हम स्टीम बना के किचन में लेके जाते हैं, तो हमारे जितने भी कैंपस है यहाँ पे उन सभी कैंपसों में जहाँ जहाँ किचन है वहाँ पे हमने ये प्रोजेक्ट लगाया है, छोटे लेवल पे मीडियम लेवल पे, और उससे हम स्टीम या गर्म पानी बना के हमारा सारा जो किचन का रिक्वायरमेंट है वो सारा हम इस पे लेते हैं। फिर 2010 में हमने सोचा कि अगर हम स्टीम बना ही रहे तो उसको बड़े लेवल पे बना के उसी स्टीम से पावर क्यों ना जनरेट किया जाए, जैसे थर्मल पावर प्लांट में कोयला जला के स्टीम बना के फिर पावर बनाते हैं जो कि हमारे घर में बिजली आती है, तो हमने सोचा हमको स्टीम मिल रही है तो पावर भी बना सकते हैं, तो इसलिए फिर हमने डिज़ाइन इस साइज़ का किया 60 स्क्वायर मीटर का, जिससे हमें सुपर हीटेड स्टीम मिले, जिससे टर्बाइन रोल होवे और जिससे हमको पावर जनरेट, तो ये पावर को हम जनरेट करके अपने ही कैंपस में हमने इसको लिया है, और हमारे यहाँ पे लगभग 20,000 लोगों का रहने का खाने का व्यवस्था है, उन सभी लोगों की जो ज़रूरत है पावर रिक्वायरमेंट है बड़े से लेके छोटे, सारा पावर रिक्वायरमेंट स्टीम रिक्वायरमेंट हॉट वाटर रिक्वायरमेंट हम सारा जो है इस सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी से लेते हैं। तो इससे स्टीम का उपयोग हो गया और बिजली भी इससे बन रही है, कितने बिजली यहाँ इससे बन रही है अभी 770 जो ये आपकी यूनिट है? जी, तो जैसे इसका मैंने बताया कि ये दिन रात चलने वाला प्रोजेक्ट है, तो दिन में इसमें एनर्जी चार्ज होती है और रात में इसमें डिस्चार्ज होती है, तो ये है कैंपस से कनेक्टेड, तो कैंपस में लोगों का आना जाना रहता है, कभी डिमांड कम रहती है कभी ज़्यादा रहती है, तो उस हिसाब से हम इसको मैच करके चलते हैं, तो कभी नंबर ऑफ़ आवर्स ज़्यादा चलते हैं कभी नंबर ऑफ़ आवर्स कम चलता है, तो सारे साल में लगभग ये 15 लाख से 16 लाख यूनिट देता है ये पूरा प्लांट। कैपेसिटी की बात करें तो कितने मेगावाट की कैपेसिटी? 1 मेगावाट कैपेसिटी का ये प्लांट है, और इसमें 0 कार्बन एमिशन कह सकते हैं? जी, कोई इसमें पोल्यूशन नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं है, क्लीन टेक्नोलॉजी है, जैसे कि आप देख सकते हैं 1400 डिग्री टेम्परेचर है मगर कोई धुआं नहीं है, कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई इसमें एनवायरमेंट हजार्ड कुछ नहीं है। जी, ये जो तकनीक आप बता रहे थे कि रोटेट करता रहता है सन की सिचुएशन के स्थिति के अकॉर्डिंग, और दो तरह का रोटेशन है इसमें, डेली वाला और सीजनल वाला, कैसे है वो बताइए। जी देखिए, ये इस डिश को आप पीछे से देख रहे हैं, इसमें ये जो गियर लगा हुआ है डेली रोटेशन मूवमेंट दे रहा है ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है ना, तो डिश इसका पूरब से पश्चिम घूमती रहती है। दूसरा ऊपर का गियर लगा है वो नॉर्थ साउथ रोटेशन देता है, नॉर्थ साउथ इंक्लिनेशन देता है। फिर तीसरा जो है ये नीचे वाला गियर, बीच वाला और ऊपर वाला, ये शेप चेंज देता है। ये जो तीन गियर है, नीचे बीच वाला और ये ऊपर वाला, तीन फ्लोर है ना? जी, तो ये तीनों मिला के इसको शेप चेंज देते हैं, पैराबोला जो है अंदर और बाहर ये हो सकता है, फ्लेक्सिबल पैराला। अच्छा, इसमें तीन प्रकार के ये मूवमेंट है, तो इसको 5 गियर 5 मोटर इसको ये मूवमेंट दे रहे हैं, और इन 5 गियर 5 मोटर को जो कंट्रोल कर रहा है वो यहाँ से सेंटर में एक सीसीटीवी बॉक्स है, ये सामने ऊपर। अच्छा, सीसीटीवी कैमरा भी लगा है? सीसीटीवी बॉक्स है, उसमें कैमरा है, वो कैमरा वो फोकस को देखता रहता है, और उस कैमरे से वो सारा फोकस को सेट करता है इन 5 गियर और 5 मोटर्स की मदद से।
तीन रोटेशन आपने बताई, एक तो डेली का जो सूरज रोटेट करता है उसके अकॉर्डिंग, एक जो सीजनल होता है जो गर्मी और सर्दी के सूरज की स्थिति चेंज होती है सूरज का जो उत्तरायण और दक्षिणायन के हिसाब से, और तीसरा ये पैराबोलिक्स, इसको भी जो स्ट्रक्चर है इसकी शेप को भी चेंज करता है। तो तीन रोटेशन एक साथ काम करती है, ये तकनीक यही डेवलप की है? हाँ, ये टेक्नोलॉजी भी यही डेवलप की है, ये ट्रैकिंग भी यही डेवलप की है, और इसकी मदद से फोकस को स्टिल रखा जा सकता है, इसलिए इसको फिक्स्ड फोकस टेक्नोलॉजी बोलते हैं। पांच का कंट्रोल भी है, सीसीटीवी बॉक्स लगा है जो फोकस को कंट्रोल करता है, देखता है कि फोकस सही जा रहा है नहीं। इसके अंदर बॉक्स के अंदर एक माइक्रो कंट्रोलर है, एक चिप है, इलेक्ट्रॉनिक्स चिप, उसके अंदर सारी ये प्रोग्रामिंग भरी हुई है कि उसको कहाँ मूव करना है, कितना मूव करना है, कैसे मूव करना है, ताकि फोकस हमेशा एक जगह पर स्थिर रहे। तो ये सारी प्रोग्रामिंग वो चिप के अंदर है, और वो चिप जो काम करती है वो कैमरा इमेज से काम करती है, फोकस को देखती रहती है। अगर वो थोड़ा भी इधर उधर हिलता है तो वो पाँच गियर को वो सिग्नल देती है किस गियर को कैसे एक्शन में आना है, ताकि वो फोकस वापस वो पोजीशन पे आ जाए। फोकस पूरा वहाँ रहेगा तो ज़्यादा हीट जनरेट होगी, इधर उधर हिला तो फिर हीट कम होती है, हीट लॉस हो जाता है ना, हीट को वहीं जाना है, रिसीवर के अंदर जाएगा तभी वो हीट काम में आएगी। अगर इधर उधर फोकस जाएगा तो वो तो लॉस है, हमने उसको कैप्चर नहीं किया, इसलिए फोकस को वहाँ रहना जरूरी है। तो ये तकनीक ये तीन तरह की हो गई, एक तो आपने रिफ्लेक्टर लगाया पैराबोलिक शेप में, फिर रिसीवर, उसका जो हीट है वो रिसीवर में जाएगी, वहाँ से हीट जनरेट होगी और वो स्टीम बनाएगी, और उस स्टीम का फिर यूज बिजली बनाने में या खाना बनाने में कर सकते हैं। और पीछे इसको आपने अकॉर्डिंगली हीट वहाँ जाए इसके लिए पूरा सिस्टम पीछे बनाया है जो ऑटोमेटिक है, जिसमें कैमरा लगा हुआ है और कैमरे की सेंस करता है कि वो फोकस हीट का वहाँ है या नहीं, और जब वो उसके अकॉर्डिंग मैनेज करता है, रोटेट करता रहता है दिन भर जी। तो इस तरह से ये एक तकनीक है जो सूरज की मैक्सिमम एनर्जी को कंज्यूम करती है बिजली बनाने में या हीट जनरेट करने में। दूसरी बात मैं आपको यहाँ बताऊँ, ये जितने भी पार्ट्स आप देख रहे हैं, ये सारे एलिमेंट्स देख रहे हैं, ये ऑन साइट बने हैं, फैब्रिकेशन से बने हैं। ये सारा रॉ मटेरियल हमने, ये स्क्वायर ट्यूब्स है, ये रॉ मटेरियल लाया, इसको लेंथ में काट के वेल्डिंग करके उसको सेट किया है ताकि ये सारा स्ट्रक्चर बने, और ये सारा स्ट्रक्चर एक्यूरेटली वेल्डिंग में लाना ये बहुत बड़ा टेक्निक है, बहुत बड़ा इसमें एक्यूरेसी एक्सपर्टीज चाहिए। मगर आपको जान के ताज्जुब होगा कि ये इसको करने वाले भी यहाँ के आदिवासी लोगों को लेके, 300 लोगों को लेके, लगभग 5 साल उनको रोज़गार देके, उनमें से ही वेल्डर्स, फिटर्स, ग्राइंडर्स, कारपेंटर्स, ये सारे डेवलप करके, उनके स्किल्स डेवलप करके ये उनके थ्रू बनाया। तो ये मेक इन इंडिया भी हो गया, स्किल डेवलपमेंट भी हो गया, एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट भी हो गया, रिसर्च भी हो गया, सोशल डेवलपमेंट हो गया, और इस सबको करने वाली एक आध्यात्मिक संस्था, ये एक विशेष बात। ये सब का मिक्स है कि भारत में बना, भारत के लोगों के द्वारा डेवलप हुआ है, और जो हमारी आध्यात्मिक, जो साइंटिफिक आध्यात्मिक ताकत है उसका भी एक नमूना है, और ये भविष्य की तकनीक भी है जो सस्टेनेबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी को लगातार देने का एक ऐसा मॉडल है जो पर्यावरण भी बचाएगा और एनर्जी भी देगा। और एक बात मैं बताऊं कि ये एक आध्यात्मिक संस्था ब्रह्मा कुमारी जी, एक ही संस्था ऐसी है जो साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों को साथ लेके चलती है। आपने बहुत सारे आध्यात्मिक संस्था विजिट किए होंगे, मगर जहां साइंस का डेवलपमेंट है या साइंस के टेक्नोलॉजी को साथ में लेके चलना, क्योंकि साइंस दोनों तरह से काम करती है, एक कंस्ट्रक्शन का भी काम कर सकती है और एक डिस्ट्रक्शन का भी काम कर सकती है। तो इसको कैसे यूज़ में लेना है ये हर एक के विचारों के ऊपर है, और विचार जहाँ होते हैं वहाँ आध्यात्मिकता की शक्ति चाहिए, क्योंकि जब आध्यात्मिक की शक्ति विचारों को मिलती है तो कंस्ट्रक्टिव काम होता है। कंस्ट्रक्टिव काम माना वो होता है जिसमें सबका भला हो, जिसमें पर्यावरण, पशु पक्षी, मानव सबका साथ हो, सबका विकास हो, सबका भला हो, तभी जाके वो आध्यात्मिक शक्ति सही दिशा में लगती है। और ये विज्ञान शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति, ये दोनों का जब कनेक्शन होता है तो ही हम स्वर्ग का निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा योगेंद्र जी ने बताया कि ये जो मॉडल है देश का ही नहीं विश्व का ऐसा नवीन मॉडल है जो और कहीं डेवलप नहीं हुआ है, भारत का इंडिजीनियस मॉडल है और भविष्य की टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इसमें हीट जनरेट करने के लिए किसी भी तरह के ईंधन का प्रयोग नहीं हुआ है। सूर्य देव की रोशनी से रिफ्लेक्टर पर जो प्रकाश आता है उसी को कंसंट्रेट करके यहाँ पर रिफ्लेक्ट किया जाता है और हीट जनरेट होती है। इसी हीट से स्टीम बनती है, और उस स्टीम का प्रयोग खाना बनाने पर बड़े स्तर पर हो सकता है, इंडस्ट्री में हो सकता है। इसी स्टीम से टर्बाइन घुमाकर बिजली बनाई जा रही है। ये सस्टेनेबल मॉडल है, और आगे आने वाले समय में भारत में क्लीन एनर्जी को बड़े स्तर पर हेल्प करेगा। हम इस बात में गौरव अनुभव कर सकते हैं कि एक आध्यात्मिक संस्था ने तकनीक और साइंस का सहारा लेकर उससे गठजोड़ करके देश का ऐसा नवीन मॉडल बना दिया एनर्जी का, जो किसी भी तरह के ईंधन का प्रयोग किए बिना
सूरज की रोशनी से, जो बड़े स्तर पर दिन रात स्टीम बना सकता है, बिजली बना सकता है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो शेयर करें, आगे भी आपको ऐसे चीजें दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।